छत्तीसगढ़ रे उद्घाटन हैला विश्वर उच्चतम बाउंस टावर जहार उच्चता 47 फुट अटे। तबे विश्व बाउंस दिवस 2024 अवसर रे केंद्र मंत्री नितिन गडकरी बेमेटार सहर रो काथियारे बाउंसरे निर्मित विश्वर सर्वबृहत उच्च टावर को उद्घाटन करछंती। ई उद्घाटन को से वर्चुअल माध्यम रे करथिले। तबे 11 लाख टंका व्यय रे निर्मित होईछि एही बाउंस टावर जहाकु भव शिक्षेत्र इंडस्ट्री द्वारा निर्माण करा जायछि। तबे एहाकु तयारी करबा पई पाखापाखि 11 लाख टंका खर्च होईछि। एहार डिजाइन पेरिस रो आइफेल टावर सहित समान। एही टावर को बाउंस प्रजुक्ति विद्या तथा भव शिक्षेत्र उद्योग रो प्रतिष्ठाता गणेश वर्मा निर्माण करछंती। आज यहाँ बेमेत्रा कठिया में 140 फीट ऊंचा बम्बू टावर बनाया गया है, जो विश्व में इस तरह का बम्बू टावर कहीं नहीं है, इसलिए यह हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। आज यहाँ हमने आधिकारिक रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। सर, पैरामीटर इस तरह से रहते हैं कि जैसे कुछ वर्क कभी विश्व में न हुआ हो और एक ऐसा टास्क जो इतना बड़ा हो कि रिकॉर्ड में आ सके, तो यह जो 140 मीटर का 140 फीट का जो टावर है बम्बू टावर, वो विश्व में कहीं नहीं है, इसलिए हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तेबे ही टावर टी बहुत शक्तिशाली एवं स्थायी अटे। यहार बयस अतिकम 25 वर्ष अटे। यहाँ वाच टावर, टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन टावर और रेडियो टावर भाबरे व्यवहार करा जाय परबो। एही टावर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे अंतर्भुक्त करा जाय छि। देखिए, बैम्बू सेक्टर में काम करते हुए 5 साल हुआ है और हमने इसके पहले बैम्बू का क्रैश बैरियर बनाया जो भारी गाड़ियों के टक्कर को रोककर और पैसेंजर को सुरक्षित करता है। वो विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर हमने बनाया। इसके कारण हमको एक विश्वास बना और आगे स्टील स्ट्रक्चर क्षेत्र में स्टील जितने प्रयोग होते हैं वो रिप्लेसमेंट इससे हो सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस बना। इस कॉन्फिडेंस को और लोगों तक पहुंचे, हर कोई इस पर विश्वास अर्जित कर सके, इसलिए इस ऊंचाई की परिकल्पना बनी। और हमेशा से ट्रांसमिशन टावर, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर होते हैं ऊंचे ऊंचे, उसका रिप्लेसमेंट 100% बन सकता है, ऐसा हमारी गट फीलिंग पर्सनली मेरी थी, जिसके कारण इसको बनाने का सपना मैं देखता रहा और काफी जितना मेरे से बन सकता है वो स्टडी करके हम लोग एकदम बिल्कुल दिहाड़ी के जो मजदूर होते हैं, है ना, जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं, कुछ नहीं, उनका सहारा लेकर, है ना, एक गट फीलिंग के सहारे हमने इसको तैयार किया। और ये जिस तरह से खड़ा है, मेरा अपना कॉन्फिडेंस है कि कैसा भी भूकंप आ जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, ये गिरने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।